हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल वाला बेल इंट्रो हम कैसे बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इसके लिए बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले मिले वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको काइंड मास्टर या पावर डायरेक्टर डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, तभी आप दोनों ऐप से आप बना सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या डाउनलोड करने की ज़रूरत है तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं एल्बम में डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए, इस टाइप के, देखिए यहाँ पे इस टाइप के आपको मोबाइल PNG यहाँ से डाउनलोड करना होगा। यानी कि मोबाइल फ्रेम आपको क्रोम ब्राउज़र या आप तो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी उस पर आपको लिखना होगा मोबाइल PNG फ्री डाउनलोड, लिखिएगा जब भी आ जाएगा। वैसे मैं इस सारे का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हैंड वाला आप रखना चाहते हैं तो हैंड वाला डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और तो चलिए मैं, और आपको यहाँ पे क्या क्या रखना है, देखिए यहाँ पर और भी आपको जिस चैनल को आपको बनाना है उसका, देखिए यहाँ सब्सक्राइबर के साथ इस वाले को आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। देखिए, तो मैंने लेकर रखा हूँ, और जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसके बाद बेल इंट्रो के साथ यहाँ पे बेल बटन के साथ एक आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। और बेल ऑल वाले अब न्यू वर्जन में आया है बेल ऑल वाले, तो यहाँ पे ऑल वाले भी सिलेक्ट करके आप रख लीजिएगा। जैसे आप बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊँगा इसमें दो तीन तरीका जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। दो मिनट में आप सीख जाएंगे बेल इंट्रो बनाना, काफ़ी ईजी है। तो चलिए, मैंने काइंड मास्टर को ओपन किया, और ओपन करने के बाद इस तरह से आपको, चलिए मैं शुरू से ओपन करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब भी ओपन करेंगे तो इस तरह के इंटरफेस खुलेगी। प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से 60:90 का आपको रेशियो रखना होगा, यानी कि साइज़ सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे, तो इस वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड चूज करना होगा। तो चलिए, मीडिया वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, और यहाँ से बैकग्राउंड में आप वीडियो भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वैसे मैं वीडियो नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम अभी वीडियो डाउनलोड करके रखे नहीं है, इसमें से एक बैकग्राउंड ही ले लेते हैं। और चलिए, मैंने यहाँ से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, और बैकग्राउंड वाले लेयर पे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेंगे। देखिए, बेल इंट्रो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 या 30 सेकेंड का रखना है, सही रहेगा वही 20 सेकेंड तक। उससे ज़्यादा का रखिएगा तो ऑडियंस बोर हो जाता है, जिससे कि आपके वीडियो पर व्यूज और वॉच टाइम घटने लगता है। तो चलिए, इस तरह से आपको फिर से यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको वो वाला PNG उठाना होगा जिसको आप क्रोम ब्राउजर से या गूगल से डाउनलोड करके रखें। तो चलिए, मैंने इसको उठा लिया, और इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए, जितना आप बड़ा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए, मैंने इसको सिंपल यहाँ पर उठा लिया, और यहाँ पर क्लिक किया, और थोड़ा इसको हम और बड़ा कर लेंगे। देखिए, मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ, बड़ा हो गया। और फिर से हम लेयर वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम यहाँ से चले जाएंगे अब इमेज को जो हम अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको ले लिया हूँ, और देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और देखिए मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ, और बढ़िया से थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि इसमें अच्छे से लगने लगे कि हाँ इसमें सेटिंग है। चलिए, मैं इसमें सेट कर दिया, थोड़ा और गड़बड़ हो गया। तो आप बढ़िया से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो सही नहीं रहेगा। चलिए, मैं यहाँ से बना लिया हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। और बनाने के बाद एक आपको, देखिए यहाँ पे हैंड रखना होगा, गूगल से डाउनलोड करके आप हैंड रख लीजिएगा। फिलहाल मैं हैंड नहीं रखा हूँ, यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखिए एक हैंड टाइप का है यहाँ पर इमोजी, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, इसको आपको रखना है तो रख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा किए, और बड़ा करने के बाद देखिए इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, एनिमेशन वाले पर, इन एनिमेशन पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम ऑफ, स्लाइड ऑफ क्लिक करेंगे, स्लाइड ऑफ पर रखेंगे, और यहाँ से इसको रख लिए। फिर से इसी को हम क्लिक करेंगे इसी वाले ऑप्शन पर, आइए यहाँ पे देखिए बीच वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से देखिए मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ से हमें नीचे आ जाना है। नीचे से हमें यहाँ पे 4 नंबर सिलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पे 4 नंबर हमने सिलेक्ट किए, और देखिए लग रहा है कि इसको उंगली से टच किया जा रहा है। तो देखिए, मैंने इसको
और इसको ज़्यादा देर नहीं, आपको एक बार या दो बार टच किया उसके बाद आपको हटा देना है। तो चलिए मैंने इसको टच करवा दिया थोड़ा, और इस पर क्लिक करके और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ छोटा, और थोड़ा ऊपर इसको कर लेता हूँ मैं ताकि सही लगे देखने में आपको। तो चलिए मैंने इसको रख लिए और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे और मैं इसको देख लेता हूँ कि ये कितने देर का एक बार टच हो गया। देखिए यहाँ पे एक बार टच हो गया और इसे हम कट कर देंगे थोड़ा। देखिए एक बार ये टच हो गया और इसको हम कट कर देंगे। तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम अब यहाँ पे हम उस वाले इमेज को लगाएंगे जो हमने सब्सक्राइबर के बाद वाले स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो फिर से हम लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, उठा लेंगे। सिंपल यहाँ से हम उसको उठा लेंगे और उठाने के बाद देखिए मैंने इसको उठा लिया हूँ। और इसे भी हमें साइज सही से सिलेक्ट करके इसमें लगा देना है ताकि ये में इसमें आपको अच्छे से सेव हो जाए और लगे कि हाँ ये सही है। चलिए मैंने इसको अच्छे से सेव कर लिया हूँ इसमें, और करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किए। और आप जब भी बनाइएगा तो अच्छे से इसको आप सेव कीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको रख लिया हूँ और देखते हैं फिर से इसको चलाकर। तो देखिए ये हो गया, उसके बाद ये आ गया हमारा। और आने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम टच करवाएंगे उंगली से। तो देखिए मैंने इस पर टच करवाता हूँ और इस पर मैंने फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम वो वाला इमोजी ले लेंगे। चलिए इसको हम ले लिए और यहाँ से ओके कर दिए। आप चाहे तो हैंड का प्रयोग कर सकते हैं, हैंड आप गूगल से डाउनलोड करके रखिएगा, उसको आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक किए और बेल वाले ऑप्शन पर हमने इसको टच करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से स्लाइड ऑफ रखेंगे यानी कि ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे और बीच वाले ऑप्शन पे हम फिर से क्लिक करने के बाद यहाँ से नीचे से हम फोर नंबर में आएंगे। और फोर नंबर पे आने के बाद देखिए ये टच हो रहा है, और एक बार जब भी ये टच हो तो हम इसे फिर से इसको हम कट कर देंगे। तो चलिए मैंने इसको कट कर दिया और कट करने के बाद देखिए मैंने फिर से वो वाले, देखिए जब बेल बटन दबाया जाता है उसके बाद ऑल आता है, वो वाले हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने उस वाले इमेज को ले लेते हैं। तो चलिए मैंने इस इमेज को ले लिया और इसे भी हम सेव कर देंगे। देखिए इसे हम सेव कर देंगे और इसमें बढ़िया से मैं लगा देता हूँ। और देखिए मैंने इसको थोड़ा, और देखिए मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ और बढ़िया से इसे सेव इसमें कर दिया हूँ। अब हम देखते हैं ये कितने देर तक इसमें रहता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब इन सारे को हम कट कर देंगे। तो चलिए मैंने यहाँ से कट कर देता हूँ। तो पहले इसको कट कर देंगे, तो यहाँ से हम इसको कट कर दिए, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने इसको फिर से कट कर देंगे। चलिए मैंने कैंची वाले आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कट कर दिए। फिर से इसको हमें कट करना है। देखिए इसको आपको जितना देर रखना है उतना देर रखिएगा, उसके बाद वाले पार्ट को आप कट करके हटा दीजिएगा। तो चलिए मैंने इसको कट कर दिए। फिर से मैंने इस पर फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से हम इस पर फिर से इसे कट कर दिए और फिर से हम इसे कट कर देंगे, बैकग्राउंड को भी कट कर देंगे। चलिए मैंने इसे कट कर दिया हूँ और आपको दिखाते हैं कैसे हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ सब्सक्राइब वाले बटन पर ऑन किया, देखिए यहाँ पर भी इसको, और देखिए यहाँ पर काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो इस टाइप से आप इसमें बना सकते हैं। और मान लीजिए आपको इसमें वॉइस कैसे लगाना है, तो आप अगर मुंह से बोलना चाहते हैं तो आप बोया माइक के साथ आप रिकॉर्ड करके रखिएगा उसको। यहाँ पे देखिए ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो मान लीजिए अभी इसमें बोल कर लगाना है तो यहाँ पर देखिए वॉइस का ऑप्शन है, यहाँ पर दबा के रखिएगा और यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए मैंने आपको सिंपल यहाँ पर बता देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैंने इस पर क्लिक किया और ये स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए blogspot.com चैनल को और बेल बटन दबा दें हमारे अगले वीडियो देखने के लिए। देखिए यहाँ से हो गया और चलिए मैं इसको सेव कर दूंगा और आपको यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे चालू कर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे तो देखिए इस तरह से इसमें आप अगर मान लीजिए कि आप किसी से बुलवा कर रखे हैं रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, तो इस ऑडियो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके
फाइल का जितना भी गाना या ऑडियो रिकॉर्डिंग वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद यहाँ से आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से शेयर वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 2 मिनट में बनाना सीख जाएंगे बेल इंट्रो कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कि नीचे से ऊपर जाना है तो वही स्लाइड अप और स्लाइड डाउन आपको सेट कर लेना होगा। तो ये मोबाइल के साथ ये सारा के सारा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आते जाते रहेगा। तो इस टाइप से आप बेल इंट्रो बना सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो मैं MP लाइन मिलूंगा आप सबसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।